चलें जी बनाते हैं चटपटे से बैंगन। हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, आधा किलो बैंगन मैंने लेके उनको गोल गोल कट कर दिया था इस तरीके से, और हमने इनको घी गर्म होने के बाद फ्राई करना शुरू किया। हम इनको डीप फ्राई करेंगे लेकिन गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इनको। इस तरह से करके हम इनको निकाल लेंगे। साथ हम दूसरे बर्तन में बनाएंगे, इसके लिए मसाला की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, ये हम इसको घी से निकाल के साथ ये बर्तन लेंगे दूसरी कढ़ाई, उसमें हम आधा चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ में हम उसमें एक चम्मच डालेंगे लहसुन। लहसुन हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो हमने दो टमाटर और दो हरी मिर्चें काटी हुई हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। दो साबुत मिर्चें हैं वो भी इसमें हम रख देंगे, साथ एक चम्मच नमक और साथ एक चम्मच लाल मिर्च और दो चम्मच सूखे धनिए के और एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच काली मिर्च हम इसमें डाल देंगे। दो साबुत मिर्ची भी डाल देंगे और हम इसको ढक देंगे दो मिनट के लिए। इधर हमारे बैंगन सारे कढ़ाई से निकल आए हैं, मसाला हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया। घी देखे अलग हो जाए तो मसाला भून के तैयार हो जाएगा। ये हम इसमें डाल के थोड़ा सा ढक देंगे। थोड़ा सा दही लेंगे हम जी, एक प्याले के बराबर जितना आपको चाहिए हम उसको इस तरह इसमें डालेंगे। थोड़ा धनिया हम इसके लिए क्रश करेंगे, दही हम इसके ऊपर डाल देंगे। हमारे बैंगन देखे भून गए हैं मसाले में, हम इसमें दही डाल देंगे। साथ में हम इसके ऊपर ये सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको एक थोड़ी देर के लिए ढकेंगे अमचूरा डाल के, फिर हमारे बैंगन रेडी हो जाएंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त बैंगन हमारे रेडी होकर तैयार हो गए हैं। आप इसको नान चपाती के साथ खाएं। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें कि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप इंजॉय करें और सीखें। शुक्रिया।